हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस ऑटोमेशंस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि S7300 पीएलसी के काउंटर्स के बारे में, कि S7300 पीएलसी में जो काउंटर होता है वो कैसे काम करता है। अभी तक जो वीडियोस हमने डाले हैं वो S7300 पीएलसी के बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में और सिमुलेटर के बारे में, हमने बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में अभी तक वीडियो बनाए हैं, टाइमर्स के बारे में। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो ये रहेगा, ये हमारा काउंटर पे रहेगा, काउंटर और हमारी कंपेयर कमांड्स, काउंटर कंपेयर और जो हमारी मूव मैथ की जो कमांड्स हैं इनको लेकर रहेगा। तो सबसे पहले हम काउंटर की कमांड देखते हैं। काउंटर पहले तो हम यूज़ क्यों करते हैं? काउंटर किसी भी ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं किसी बॉटल फिलिंग प्लांट की बात करूँ या किसी भी पर्टिकुलर किसी प्लांट की बात करता हूँ जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन होता है किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो कोई भी प्रोडक्ट जब कम्प्लीटली रेडी होता है उसके बाद प्रोडक्शन कितना हुआ उसकी काउंटिंग के लिए हमारे पास काउंटर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि S7300 पीएलसी में काउंटर कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ जाके एक नया नेटवर्क लिया, नेटवर्क के ऊपर हमने सबसे पहले एक काउंटर लिया। अब जो काउंटर की बात करते हैं तो काउंटर भी हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं। यहाँ पर काउंटर अप, काउंटर डाउन और काउंटर अप और डाउन दोनों का कॉम्बो है ये। तो हालांकि पहले हम काउंटर अप के बारे में देखते हैं। तो काउंटर अप, ये मेरा काउंटर है, यहाँ पर मेरे को काउंटर का एड्रेस प्रोवाइड करवाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाला C0 काउंटर का एड्रेस। यहाँ पर काउंटर हाई किससे होगा इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया है और इनपुट का एड्रेस दिया मैंने I0.0। ठीक है, यहाँ पर ये सेट बिट है, काउंटर की सेट बिट को आप कोई मेमोरी बिट भी असाइन कर सकते हैं M0.0। और यहाँ पर PV वैल्यू होती है, यानी कि जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये प्रीसेट वैल्यू होती है आपकी। तो प्रीसेट वैल्यू रखेंगे हम। यहाँ पर इनका फॉर्मेट होता है, टाइमर में डिफरेंट फॉर्मेट होता है और काउंटर में डिफरेंट होता है। काउंटर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है C#, और यहाँ पर आपको काउंटर का प्रीसेट वैल्यू डिफाइन करनी है कि आपका काउंटर कहाँ तक काउंटिंग करेगा। तो 10 तक काउंटिंग करवानी है, 15 तक करवानी है, 20, 200 जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ पर रीसेट के लिए कि काउंटर रीसेट किससे होगा, रीसेट के लिए मैं कोई अलग से इनपुट प्रोवाइड करवा देता हूँ I0.2। ठीक है, और यहाँ पर ये काउंटर की वैल्यू, यानी कि जो काउंटर ने काउंट किया है वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी या कहाँ वो वैल्यू शो होगी, तो उसके लिए मैं कोई मेमोरी वर्ड का एड्रेस दे देता हूँ MW0। अभी जो मेमोरी वर्ड का एड्रेस मैंने बताया है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैपिंग को लेकर, कि मेमोरी मैपिंग कैसे होती है, कहाँ पर MW0 होता है, कहाँ पर MD0 होता है, यानी कहाँ पर मेमोरी वर्ड होता है, कहाँ पर मेमोरी डबल वर्ड यूज़ करते हैं, उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे, और यहाँ पर ये क्यू जो होता है ये आउटपुट के लिए होता है, आउटपुट कोयल अगर आप इसके साथ असाइन करते हैं तो आउटपुट कोयल आपकी आउटपुट जो भी आउटपुट रहेगा आपका वो ऑन हो जाएगा या हाई हो जाएगा आपके काउंटर के साथ। ठीक है, तो काउंटर अप जो अभी हम देख रहे हैं इसका एक यूज़ होता है, काउंटर अप, यानी कि जो भी आप काउंटिंग करोगे, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स होंगे केवल काउंटिंग अप ही करेगा। और पर्टिकुलर कोई डिफेक्टिव पीस भी अगर जाता है और वहाँ पर हमें काउंटिंग को डाउन करवाना है, यानी कि जो काउंटिंग हो चुकी है उसमें से एक या दो पीस जो डिफेक्टिव निकले हमारे उनको निकालना है, तो हमें काउंट डाउन भी करवाना होता है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो काउंटर डाउन करते हैं, या इसी के अंदर हम काउंटर अप और डाउन दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो काउंटर अप को देखते हैं, केवल काउंटर अप को मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे, और डाउनलोड करने के बाद हम मॉनिटर मोड में गए। मॉनिटर मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे काउंटर जो है ये 5 वैल्यू पहले से दिखा रहा है। अगर आप इसको यहाँ से रीसेट कर दोगे I0.2 से तो ये वैल्यू क्या होगी, रीसेट हो चुकी है। तो आप जब जब आप इनपुट 0 को प्रेस करोगे तब तब आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 शो होगी। ठीक है, जैसे आपने सेकंड टाइम प्रेस किया तो वैल्यू 2 हो गया, जैसे आपने इसको रिलीज़ किया थर्ड टाइम प्रेस किया 3 होगी, फोर्थ टाइम प्रेस किया 4 होगी, यहाँ पर ये वैल्यू जो चेंज हो रही है। और ये वैल्यू सेव कहाँ हो रही है आपकी, जाकर MW0 के अंदर, यानी कि ये आपका कोई मेमोरी वर्ड एड्रेस है वहाँ पर ये वैल्यू जाके आपकी क्या हो रही है, सेव हो रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं अगर काउंटर डाउन का यूज़ करता हूँ, इसका काउंटर डाउन का यूज़ करता हूँ, तो मेरे को एक नया नेटवर्क लेना होगा। यहाँ से मैं नया नेटवर्क ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं एक काउंटर डाउन एप्लीकेशन लगा देता हूँ। इसको ऑपरेट करवाने के लिए मैं एक इनपुट एड्रेस लगा देता हूँ जिसका एड्रेस है I0.1। ठीक है, और इसका जिसे और इसका भी काउंटर का एड्रेस C0 रखता हूँ। सेम 0 क्यों रखता है, क्योंकि सेम एड्रेस को ही क्या करवाना है हमें, सेम काउंटर की वैल्यू को क्या करवाना है हमें,
डाउन करवाना है, ठीक है। और ये रीसेट के लिए I0.2 हो गया आपका, और बिल्कुल आपका MW0 के अंदर ही क्या होगा, वैल्यू स्टोर होगी आपकी, ठीक है। तो अभी हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं, तो अभी हम यहाँ पे इसको डाउनलोड करवा देते हैं। डाउनलोड करवाया हमने यहाँ से इसको, और डाउनलोड करवाने के बाद हम इसको मॉनिटर मोड में लेके जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों ही काउंटर क्या हैं, पैरेलली वर्क कर रहे हैं। अगर आप I0.0 को अगर लो कर दोगे तो यहाँ पर 4 वैल्यू शो हो रही, यहाँ पर भी 4 होगी क्योंकि एड्रेस भी सेम है, इनका काउंटर जीरो ही है, काउंटर जीरो ही है। अगर आप यहाँ पे I0.1 प्रेस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि ये काउंटर डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू 3 हो रही है तो सेम वैल्यू 3 यहाँ पर भी शो करेगा। तो काउंटर अप का वर्क होता है काउंटिंग करना अपर मोड में, और ये जो काउंटर डाउन होता है वो काउंटिंग को डाउन करेगा, यानी कि काउंटिंग डाउन या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है, हम देखते हैं इन दोनों का कम्बिनेशन, यानी कि काउंटर अप और डाउन। जैसे मैं यहाँ पर इस काउंटर को मैं रिलीज करके यहाँ पे काउंटर और अप और डाउन दोनों को ही क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पर भी सिंपली आपका C0 जो एड्रेस हम प्रोवाइड करवाते हैं, C1 करवा दो। यहाँ पर ये काउंटर अप बिट है, यानी कि काउंटर अप किससे होगा, आपका इनपुट आपका जीरो से। और सेम आपका अगर काउंटर डाउन होगा तो वो किससे होगा, उसका भी एड्रेस हम यहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर जो मेमोरी एड्रेस दे देंगे आप, M0.0 दे सकते हैं आप, M0.1 दे सकते हैं, और यहाँ पर काउंटर की वैल्यू आएगी, प्रीसेट वैल्यू सी हैज 10 दिया हमने, ठीक है। रीसेट किससे होगा, रीसेट के लिए हमने I0.2 को थर्ड कमांड दी थी, और वैल्यू सेव कहाँ होगी, स्टोर कहाँ होगी, वो हम MW2 के अंदर रख देते हैं, ठीक है। पहले हमने MW0 में रखी थी, तो मेमोरी वर्ड एड्रेस आप कोई भी ले सकते हैं, MW0, MW2, MW4, MW6, अप टू MW126 तक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन रहेंगे ये ईवन में ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही काउंटर के अंदर हमारे को दोनों यूजेस हो जाएंगे, आपका काउंटर अप भी यूज़ होगा और काउंटर डाउन भी। हमने इसको डाउनलोड किया, मॉनिटर मोड में लाए, और काउंटर C0 जैसे पहले से 3 के ऊपर था, तो अभी जैसे आप इसको रीसेट करते हो तो वापस से 0 पे। अगर आपने 0 प्रेस सॉरी आप अगर आपने 1 प्रेस की सॉरी अगर आप 0 प्रेस करते हो तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, अप होगी, यानी कि 3, 4, 5 जितने टाइम्स आप इसको प्रेस करोगे उतने टाइम ही आपकी वैल्यू क्या होगी, अप होगी। अगर आप I0.1 को प्रेस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी या डिक्रीज होगी। तो काउंटर का वर्क क्या होता है, आपका काउंटिंग करना। अब जो काउंटर के साथ या टाइमर के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो रहती है हमारी कंपेरेटर कमांड्स। ये हमारी कंपेरेटर कमांड्स है, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, और ये सभी क्या है, इंटीजर के अंदर है। यहाँ पर आपको आई दिखाई दे रहा होगा इनके आगे, ये सभी क्या है, आपकी इंटीजर में है। अगर ये डी दिखाई दे रहा है सभी के सामने तो इसका मतलब होता है कि ये डबल वर्ड के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पर जो आर दिखाई दे रहा है इन सभी के सामने, वो रियल वैल्यूज़ के लिए होती है, ठीक है। तो अभी हम जो वर्क करेंगे एक बार के लिए, हम समझने के लिए, हम किस पे वर्क करेंगे, आपके इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर। तो कंपेरेटर कमांड्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था, टाइमर में भी देखा, काउंटर में भी देखा। टाइमर के अंदर देखा कि अगर आपने टाइम की प्रीसेट वैल्यू या आपका टाइमर की वैल्यू आपने अगर 20 सेकेंड डाली है, तो या तो आपका आउटपुट पर्टिकुलर 20 सेकेंड के लिए ऑन होगा या 20 सेकेंड के बाद ऑन होगा। आप 0 से 20 सेकेंड के बीच में किसी आउटपुट को रन नहीं करवा सकते किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। मैं कहता हूँ कि जैसे अगर हमें आउटपुट रन करवाना है कोई आउटपुट 0 to 20 सेकेंड के लिए, तो उसमें से मैं कहता हूँ कि एक आउटपुट आपका 3 से 7 सेकेंड के लिए चलना चाहिए, 4 सेकेंड के लिए केवल। लेकिन वो हम कैसे करवा सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ दीज कंपेरेटर कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस। तो अभी हम इनको समझते हैं कि ये कंपेरेटर इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्वल की, तो इक्वल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया नेटवर्क लेते हैं। न्यू नेटवर्क लेने के बाद हम इक्वल की कमांड को लगाते हैं,
और जो कंपेयरिंग कमांड है ये हमेशा इनपुट में यूज़ होती हैं। अब मैंने कहा कि मैं इस काउंटर को यूज़ करके और इन कंपेयर कमांड्स को यूज़ करके मैं कोई आउटपुट हाई करूँगा, यहाँ पे कोई भी आउटपुट Q4.0, ठीक है। लेकिन ये कंपेयर कमांड होंगी कैसे, मैं कहता हूँ कि इस काउंटर की जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो रही है आपके MW2 में। तो मैं कहता हूँ कि जब MW2 की वैल्यू अगर 5 के इक्विवेलेंट हो तो आपकी ये आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो यानी कि इक्वल की कमांड है ये, कंपेयर इक्वल टू इंटीजर, यानी कि जब जब आपकी वैल्यू MW2 की वैल्यू 5 के इक्विवेलेंट होगी तब तब ये आउटपुट आपका क्या होगा, हाई होगा। अगर मैं नए नेटवर्क की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ नॉट इक्वल की कमांड, और नॉट इक्वल की कमांड में मैं लिख देता हूँ कि अगर MW2 की वैल्यू, ठीक है, MW2 की वैल्यू अगर 1 के इक्विवेलेंट है या 3 के इक्विवेलेंट या 4 के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल की कमांड लगाई है, तो इसके नहीं इक्विवेलेंट होगी तब आपका आउटपुट क्या होगा, Q4.1 आपका हाई होगा। अभी केवल हम इक्वल और नॉट इक्वल की इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं केवल इसके साथ, ठीक है। हमने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, रन मोड में लाए और यहाँ पर हमने क्या करवाया, प्रोग्राम को रन करवाया। अभी हम पहले तो इसको रीसेट कर देते हैं आपके काउंटर को। काउंटर को जैसे ही रीसेट किया हमने, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काउंटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, ठीक है। काउंटर की जो वैल्यू है अभी 0 है, यहाँ पर भी 0 शो हो रही है और यहाँ पर भी 0 शो हो रही है। लेकिन आपका ये जो कमांड है, ये आपका आउटपुट है, ये हाई है, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब होता है जब आप इक्वल की बात करते हैं तो पर्टिकुलर उसी के इक्वल होगा तब आउटपुट देगा, और नॉट इक्वल का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी है 4, अगर ये इस वैल्यू के इक्वल होगी MW2 की वैल्यू, तब तब ये आउटपुट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और बाकी सभी वैल्यूज के ऊपर ये आउटपुट हाई रहेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, मैं जैसे I0.0 को हाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हुई, यहाँ से 1 होने पे इसकी वैल्यू यहाँ पर भी 1 हुई, यहाँ पर भी 1 हुई। जैसे मैंने कहा मैं इसकी वैल्यू 2 करता हूँ, इसकी वैल्यू 3 हुई और इसकी वैल्यू 4 हुई। जैसे इसकी वैल्यू 4 के इक्विवेलेंट आती है तो ये आउटपुट आपका क्या हो गया, लो। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल की कमांड है, अगर 4 के इक्विवेलेंट होगा तब तो ये आउटपुट नहीं देगा, और 4 से अगर कोई वैल्यू अलग है, 4 से चाहे अबो हो या 4 से बिलो हो, उस वैल्यू के ऊपर ये आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाएगा नॉट इक्वल की कमांड। और जैसे इसकी बिट 5 होती है, जैसे ये MW2 की वैल्यू 5 हुई, तो आपका आउटपुट 0 भी क्या हो गया, आपका हाई हो गया यहाँ पे, और ये आउटपुट 1 भी आपका क्या है, हाई है। अभी दोनों आउटपुट यहाँ पर हाई है इस कमांड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ये दो कमांड इंस्ट्रक्शन देखी हैं, अभी मैं इंस्ट्रक्शंस को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और अभी मैं दो इंस्ट्रक्शन और देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ ग्रेटर देन और एक लेस देन की। अभी मैं यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ कर रहा हूँ और इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ ला के मैं लेस देन की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब ग्रेटर देन के अंदर क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू आप डाल रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ कि MW2 की जो वैल्यू है अगर वो 3 से बड़ी है, और मैं कहता हूँ कि अगर लेस देन की कमांड अगर आप दे रहे हैं, तो अगर लेस देन की कमांड में MW2 की जो वैल्यू है वो अगर 7 से कम है, तब आपके आउटपुट हाई होने चाहिए। तो अब कंपेयर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक, कि कंपैरिजन किन्हीं भी दो चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू हो सकती हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों के अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले तो मैं काउंटर को रीसेट कर देता हूँ। काउंटर जैसे ही रीसेट हुआ तो आपके दोनों आउटपुट क्या हो गए, एक आउटपुट आपका हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि इसको कमांड दी गई है कि अगर MW2 की वैल्यू 7 से कम है तो आउटपुट आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो अभी MW2 की वैल्यू क्या है, 0, और 0 क्या है, 7 से कम है, तो ये आउटपुट क्या रहेगा, हाई। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैंने इनपुट प्रोवाइड करवाया, इसकी वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो ये देखो आप जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वैल्यू जैसे 3 थी
तो 3 के इक्विवेलेंट ये वैल्यू आउटपुट नहीं प्रोवाइड करवाया इसने, क्यों? क्योंकि ग्रेटर की कमांड यहाँ पे 3 से बड़ा होगा तब आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। अगर कमांड यहाँ पर ग्रेटर इक्वल की होती, कमांड अगर हमारे यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की कमांड होती तो 3 या उससे बड़ी वैल्यू पे ये हाई होता, तब ये 3 पर भी हाई रहता। अगर ग्रेटर इक्वल की कमांड होती यहाँ पे तो ये 3 पर भी हाई होता और उससे बड़ी वैल्यू पे भी हाई होता, लेकिन अभी केवल ग्रेटर की कमांड है तो ग्रेटर की कमांड में केवल 3 से बड़े नंबर पे ही ये क्या होगा, हाई होगा आउटपुट। जैसे मैंने 4 किया तो ये आउटपुट आपका हाई हो गया। जैसे यहाँ से वैल्यू 5 हुई, 6 हुई और 7 हुई, तो जैसे ही 7 हुई तो ये आउटपुट आपका ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, लेस की कमांड है, केवल लेस की कमांड है। अगर लेस की कमांड मतलब 7 से लेस है, अगर यहाँ पर कमांड लेस इक्वल होती तो ये 7 के ऊपर भी ये आउटपुट क्या रहता, आपका हाई रहता। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल भी बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ यूज़ होंगे, लेकिन उनके आउटपुट में केवल इतना डिफरेंस आएगा कि अगर आप लेस इक्वल की कमांड लगा रहे हैं तो ये आउटपुट आपका 7 के ऊपर भी ऑपरेट करता, और अगर आप ग्रेटर इक्वल की कमांड लगा रहे हैं तो ये आउटपुट आपका 3 पर भी ऑन होता। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मूव इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती हैं और मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस इसमें जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आपके जो भी व्यूज़ हैं